Welcome back to my YouTube channel. My name is Anthony. I have been to Europe for last 4 years. आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ about deadlines for admission in Sweden. Sweden के अंदर 17 अक्टूबर को admission open हुए और जब आप Sweden में admission apply करते हैं you have to follow 3 important steps और हर step की एक deadline है. जब आप Sweden में admission apply करते हैं तो आपको इम्पॉर्टेंट डेडलाइंस हैं वो फॉलो करनी पड़ती हैं और जब आप इन डेडलाइंस को फॉलो कर रहे हो तो हर डेडलाइन पे आपको कुछ इम्पॉर्टेंट एक्शन परफॉर्म करने होते हैं. इस वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कि किस स्टेप पे आपको क्या एक्शन परफॉर्म करना है. बिफोर आई गेट स्टार्टेड विद द वीडियो, मैंने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू सर्च अ मास्टर प्रोग्राम इन स्वीडन, उस पर और एक वीडियो बनाई थी कि सारे जो स्टेप्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन अनटिल यू लैंड स्वीडन, इन सारे स्टेप्स को कवर किया मैंने एक वीडियो में, वो आप देख सकते हैं. इस वीडियो में मेरा मेन टारगेट है कि आपको डेडलाइंस के बारे में इंफॉर्मेशन हो. जब आप किसी भी कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं तो पहली जो चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए कि ट्राई टू अप्लाई और बिफोर द डेडलाइन और यू शुड बी प्रोएक्टिव. अगर आप प्रोएक्टिव रहते हो, डेडलाइन से पहले अप्लाई करते हो तो इससे आप बहुत सारी जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, इसको अवॉइड कर सकते हो और आपका जो प्लान है वो बहुत स्मूथली चलता है. बहुत सारे स्टूडेंट जो लेट अप्लाई करते हैं या बिल्कुल डेडलाइन के आखिरी दिन तक बात लेकर जाते हैं वो मोस्टली स्ट्रेस और बहुत सारे इश्यूज फेस करते हैं. तो इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको सारी डेडलाइंस के बारे में बताया जाए प्लस कौन सी डेडलाइन पे क्या करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि स्वीडन के अंदर एडमिशन ओपन हो चुके हैं और ये 17 अक्टूबर को ओपन हुए थे. जब आप स्वीडन में एडमिशन अप्लाई करते हो आपको एडमिशन की डेडलाइन वही जो एडमिशन की डेडलाइन है उसी के साथ साथ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप और स्वीडन की जो फुल फंडेड सबसे बड़ी स्कॉलरशिप है SI स्कॉलरशिप उसकी भी डेडलाइन को फॉलो करना होता है. अगर आप ये सारी डेडलाइंस फॉलो करते हो तो आपका प्रोसेस स्मूथ होगा और सक्सेसफुल भी. स्वीडन एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको एक वेबसाइट कंसल्ट करनी पड़ती है जिस वेबसाइट का नाम है universityadmission.se. universityadmission.se एक स्वीडिश एडमिशन पोर्टल है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. अगर आप स्वीडन में पढ़ने आ रहे हो तो आपको इस पोर्टल पे जाके एडमिशन अप्लाई करना होता है, अपना अकाउंट बनाना होता है, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी होती है और फिर आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो और आपको नोटिफिकेशन भी इसी वेबसाइट पे आएगा. इस वेबसाइट पे अकाउंट कैसे बनाना है, प्रोग्राम कैसे सिलेक्ट करना है और एप्लीकेशन कैसे सबमिट करनी है इस पे मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं. स्वीडन के अंदर एडमिशन अप्लाई करने के लिए आप जैसे ही यूनिवर्सिटी एडमिशन दो ऐसी पे अकाउंट बनाते हो आप प्रोग्राम सर्च कर सकते हो. प्रोग्राम सर्च करने के बाद आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो कोई 10 प्रोग्राम को. अब जो 10 प्रोग्राम आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं आप 10 के 10 पे अप्लाई नहीं कर सकते. एडमिशन जो अप्लाई करना होता है उसकी जो फीस है वो 900 स्वीडिश क्राउन है और 900 स्वीडिश क्राउन में आप सिर्फ 4 प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हो और इन प्रोग्राम की रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए मैंने कहा कि आप एटलीस्ट 10 प्रोग्राम सेलेक्ट करें, एक एक्सेल शीट बना लें, उस पर 10 प्रोग्राम के एक लिस्ट बनाकर उनको शॉर्टलिस्ट करके बाद में यूनिवर्सिटी के पेज पे जाके उन प्रोग्राम की आप इंफॉर्मेशन चेक करो, रिक्वायरमेंट और पढ़ाया क्या जाएगा. अगर ये चीज़ें आपके प्रोफाइल से मैच करती हैं तो आपकी जो एडमिशन की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत हाई होगी, आपकी जो एक्सेप्टेंस फॉर एडमिशन है दैट विल बी वेरी हाई. तो इस तरह आप 10 में से 4 प्रोग्राम को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, वो प्रोग्राम जिनके लिए आपका प्रोफाइल मैच करता है. जैसे ही आप 4 प्रोग्राम शॉर्टलिस्ट कर लेते हो आप उनकी रैंकिंग करते हो. रैंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो रैंकिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको फिर अगर फॉर एग्जांपल किसी यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप है, लेट्स से यूनिवर्सिटी ऑफ स्टॉकहोम,
यूनिवर्सिटी ऑफ स्टॉकहोम की आप स्कॉलरशिप अप्लाई करने हैं और इसी के लिए आपका प्रोफाइल भी बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इट मींस कि आपकी जो प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है, एक होती है जर्नल रिक्वायरमेंट, वो और एडिशनल रिक्वायरमेंट, वो सारी रिक्वायरमेंट आपको लग रहा है कि आप फुलफिल कर रहे हो, तो फिर आपको उसको टॉप पे रखो और फिर आप उसकी स्कॉलरशिप के लिए भी क्वालिफाई करोगे। इसके अलावा जो दूसरी स्कॉलरशिप है वो स्वीडिश इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप है। आई विल मेक अ वीडियो ऑन स्वीडिश इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप एज वेल एज यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप लेटर इन दिस मंथ। इसके बाद दूसरी जो डेडलाइन है वो है डॉक्यूमेंट सेंड करने की और एप्लीकेशन फीस पे करने की। जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको, एक तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनको टेस्टेड करके आप universityadmission.se पे अपलोड करोगे। इसी के साथ साथ आप उनकी एक जो फोटोकॉपी है सारे डॉक्यूमेंट्स की, उनको टेस्टेड करवा के एक एनवलप में, सील्ड एनवलप में आप पोस्ट कर दोगे टू universityadmission.se के एड्रेस पे। फॉर डॉक्यूमेंट्स आई वॉन्ट टू क्लियर वन पॉइंट। स्वीडन के अंदर जब आप एडमिशन अप्लाई कर रहे हो तो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं ओरिजिनल वाले टेस्टेड, और जो कॉपी है उसको टेस्टेड करवा के आपने जो है वो कॉरियर सर्विस के जरिए से पोस्ट करने हैं टू universityadmission.se के एड्रेस पे। ये दोनों काम कर लिया आपने और ये करने हैं आपने 1 फरवरी से पहले पहले। फीस जो है वो आप अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड यूज करके ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। अगर आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी नहीं है, आप पे नहीं कर सकते, देन यू कैन टॉक टू योर बैंक, बैंक में जाके उनको कहें वो पे कर देंगे। इस तरह से आपका ये डेडलाइन भी मीट हो जाएगी। नो वी कैन टॉक अबाउट द लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप ये है कि जैसे ही आप 4 प्रोग्राम की रैंकिंग कर देते हो 15 जनवरी 2023 से पहले पहले और 1 फरवरी 2023 से पहले पहले आप एप्लीकेशन फी भी पे कर देते हो और डॉक्यूमेंट भी उनको बाय पोस्ट सेंड कर देते हो प्लस ऑनलाइन भी अपलोड कर देते हो, तो आपका जो रिजल्ट है एडमिशन रिजल्ट फॉर BS 5th अप्रैल को आएगा और जो MS का रिजल्ट है वो 30th मार्च को आएगा। एज सून एज यू गेट द एडमिशन रिजल्ट्स यू कैन प्रोसीड विद द नेक्स्ट स्टेप। और नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपने यूनिवर्सिटी को फीस पे करनी है और इसी के साथ साथ वीजा अप्लाई करना है। जैसे ही फीस आप पे करते हैं तो आपको कंफर्मेशन आती है और आप वीजे की तरफ चले जाते हैं। तो स्वीडन के अंदर ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, आप खुद फॉलो कर सकते हैं, आपको किसी भी किस्म की कंसल्टेंट की हेल्प नहीं चाहिए। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली जो वीडियोज हैं उनको देखें। बैचलर एंड मास्टर का जो एडमिशन है उसको मैं कवर करूंगा, प्लस जो डिप्लोमा और प्रिपरेटरी कोर्सेज होते हैं 15 या 13 क्रेडिट के उनको भी। तो इसलिए यू डोंट नीड अ कंसल्टेंट। और अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो मैं स्कॉलरशिप की भी वीडियो बनाऊंगा, आपको उससे भी बेनिफिट हो सकता है, आप स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलती है तो वो 25-100% ऑफ योर ट्यूशन फी होगी। और अगर आपको ऐसा ही स्कॉलरशिप मिलती है जो कि बहुत कॉम्पिटेटिव है लेकिन फुल फंडेड है, फुल फंडेड मीन्स आपको 1,000 यूरो इन हैंड मिलेगा। 1,000 यूरो मीन्स 10,000 स्वीडिश क्राउन आपको हर महीने मिलेगा फॉर योर लिविंग कॉस्ट, प्लस यू डोंट हैव टू पे ट्यूशन फी। सो ऐसा स्कॉलरशिप इज अ गुड ऑप्शन इफ यू हैव अ गुड प्रोफाइल। इन कमिंग डेज आई विल मेक अ वीडियो हो यू कैन मेक योर प्रोफाइल गुड। Thank you very much for taking time and watching this video. Take care. Bye-bye.